नारायणपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित सोनपुर में केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार पहुंचे और आईटीबीपी और पुलिस जवानों से मुलाकात की। इस दौरान के विजय कुमार ने सोनपुर कैंप का निरीक्षण भी किया। एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने जवानों का हालचाल पूछने के साथ उनकी समस्याओं को भी जाना और जल्द ही इन इलाकों में संचार सुविधा मुहैया कराने की बात कही। साथ ही जवानों को नक्सल मोर्चे पर कार्रवाई करने पहुंची विहीन अदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण करवाना, लोगों को सहूलियत पहुंचाने की बात कही है। वहीं नक्सल कमांडर समेत साकेत को मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराने की जवानों को बधाई देते हुए हौसला अफजाई की। आज नारायणपुर के सोनपुर सीओबी में कैंप थाने में मुख्य सुरक्षा सलाहकार श्री विजय कुमार सर का आगमन हुआ था। इस आगमन में उन्होंने अपने जवानों का हमारे जवानों का उत्साहवर्धन किया और नक्सल से लड़ने की आगे की क्या रणनीति होगी इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। राजनांद गांव में लगे वाटर एटीएम देखरेख के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। वाटर एटीएम लगाने में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जरूरतमंदों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा। शहर के 7 जगहों में वाटर एटीएम लगाए गए जो अब पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में वाटर एटीएम का निर्माण करवाया गया जो अब कबाड़ में तब्दील हो गया है। इन वाटर एटीएम की कीमत करीब 7 लाख से अधिक आंकी जा रही है। वहीं नगर निगम की ओर से लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वाटर एटीएम का संचालन नहीं कर पाने पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। निगम ने वाटर एटीएम लगाने पानी की तरह पैसा बहाया, इसके बाद भी लोगों को 1 रुपए में शुद्ध आरओ का पानी नहीं मिल रहा है। वहीं ये वाटर एटीएम अब विज्ञापन चिपकाने का काम कर रहा है। लोग इसमें बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और शहर के सभी वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। नगर निगम द्वारा वाटर एटीएम की स्थापना की गई थी ताकि यहाँ के नागरिकों को स्वच्छ जल कम दर में उपलब्ध कराया जा सके, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो एक भी वाटर एटीएम जो शहर भर में स्थित है वो संचालित नहीं है। लाखों रुपए निगम ने इसमें फूंक दिए, लेकिन उसका जो लाभ आम नागरिकों को मिल पाना था वो आज भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस पर मैं बस इतना ही आह्वान करूँगा कि जो वाटर एटीएम है उसे सुचारू रूप से पुनः चालू किया जाए ताकि यहाँ के नागरिकों को इसकी जो सुविधा है वो प्राप्त हो सके। राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा वाटर एटीएम का संचालित किया गया था आज से कई साल पहले, और लगभग यहाँ पे 7-8 ऐसे वाटर एटीएम है जो सुचारू रूप से जिसको चलना चाहिए पूर्व काल का कार्यकाल में ये लगाया गया था, और अभी हम स्थिति देखते हैं कि पूरे के पूरे जो जितने भी वाटर एटीएम है वो पूरा बंद पड़ा है। और नागरिकों के लिए यह एटीएम लगाया गया था जिसमें कम दर पे लोगों को पानी सुचारू रूप से मिले, जो कि अभी सब पूरा बंद पड़ा हुआ है। शहर में लगभग 7 से 8 वाटर एटीएम है जिनके इंस्टॉलेशन के बाद उनका O&M की अवधि समाप्त हो चुकी है। संज्ञान में आने पर संबंधितों को निर्देशित किया गया है सभी वाटर एटीएम्स की मरम्मत कराई जाएगी। और बौलादा बाजार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ बाबूलाल टाकीज के पास से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनजागरण पद यात्रा निकाली है। जनजागरण पद यात्रा 14 नवंबर से 29 नवंबर तक निकाली गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए राज्य सरकार के उपलब्धियों को वार्डवासियों तक पहुंचाया। इस यात्रा में वरिष्ठ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और समस्त प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनजागरण पद यात्रा का उद्देश्य यही है कि आज आम जनता त्रस्त है महंगाई से। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ लबारी मार के शासन में आई थी, आज महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर रही है। डीजल पेट्रोल का टैक्स 10 गुना बढ़ा चुकी है। आज खाने का तेल हो, अनाज हो, सब्जी हो, सड़ हो, सीमेंट हो, कपड़े हो, बेतहाशा जो महंगाई बढ़ी है उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ये केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आम जनता को अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात जो कही थी भारतीय जनता पार्टी शासन ने, किसी को रोजगार नहीं मिला, बल्कि लोगों का रोजगार GST और नोटबंदी में छीन गया। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।